आज का कंटेंट है G20 का क्या मतलब होता है, G20 की स्थापना कब हुई थी, G20 में कितने देश शामिल हैं और G20 शिखर सम्मेलन का मुख्यालय कहाँ है। G20 एक समूह होता है जिसमें वित्त मंत्री तथा सेंट्रल बैंक के गवर्नर शामिल होते हैं। G20 में 20 देशों को शामिल किया गया है तथा G20 के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष अतिथि देशों को भी आमंत्रित करते हैं। इन देशों में स्पेन अस्थायी अतिथि के रूप में हर वर्ष शामिल किया जाता है। इस बैठक के दौरान प्रत्येक देश की वित्तीय बाजारों तथा विश्व की अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श करके आपसी सलाह बनाते हैं और इस समूह में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग जैसे आतंकवाद, मानव संकट पर विचार विमर्श किया जाता है। यह संगठन दुनिया के महत्वपूर्ण संगठनों के साथ कार्य करता है तथा यह समूह घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वित्तीय व्यापार का 75% से भी अधिक तथा विश्व का लगभग 2/3 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। विश्व के महत्वपूर्ण देशों के मध्य अनौपचारिक वार्ता और परस्पर सहयोग दृढ़ करने में मदद प्रदान करता है। अब बात करें G20 की स्थापना कब हुई थी, तो विश्व के प्रमुख देशों के संगठन G7 ने एक नए संगठन की शुरुआत की जिसका नाम G20 रखा गया। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1999 में अमेरिका की राजधानी Washington DC में किया गया था। एशिया के वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों ने इस बैठक का आयोजन किया था। पहला शिखर सम्मेलन 2008 में 14-15 नवंबर को आयोजित किया गया था। एशिया में आए वित्तीय संकट को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस सम्मेलन का आरंभ किया था। तभी से प्रतिवर्ष G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होने लगा था। G20 के अध्यक्ष प्रत्येक वर्ष कई अतिथि देशों को भी इस शिखर सम्मेलन की बैठक में सम्मिलित करने के लिए आमंत्रित करते हैं। G20 के अध्यक्षों द्वारा 2008 के बाद से शिखर सम्मेलन की कई बार बैठकें हो चुकी हैं। G20 के अंतिम शिखर सम्मेलन की बैठक जापान के ओसाका शहर में आयोजित की गई थी। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन में किया था। जापान देश में पहली बार यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सन 2020 में शिखर सम्मेलन की बैठक का आयोजन सऊदी अरब के रियाद शहर में 21 से 22 नवंबर तक आयोजित हुआ था तथा इसके लिए भारत को मेजबानी करने का अवसर 2022 में मिलेगा, जिसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में की जाएगी। अब बात करें G20 में कितने देश शामिल हैं, तो G20 में कुल 20 देश शामिल हैं, जो कि पहले नंबर पे आता है रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके मुख्य सदस्य देश हैं। G20 समूह का स्थायी रूप से कोई सचिवालय नहीं बनाया गया है। सभी सदस्य देशों के समक्ष विचार विमर्श एवं निर्णय लेने हेतु रखे जाने वाले विषयों पर या बिंदुओं पर वार्ता के लिए अन्य देशों को सहमत करने की जिम्मेदारी G20 का अध्यक्ष की होती है। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाती है। इन अधिकारियों को शेरपा कहा जाता है। अब बात करें G20 के अध्यक्ष की, तो यह पद इंडोनेशिया ने 1 दिसंबर 2021 को G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण कर लिया है। वह साल भर तक विभिन्न G20 बैठकें आयोजित करेगा। इसका समापन 30 से 31 अक्टूबर 2022 को G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के साथ होगा। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया है कि भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करेगा। इसके बाद 2023 में पहली बार भारत G20 देशों की शिखर बैठक आयोजित करेगा। इसको ट्रोइका कहा जाता है। अब बात करें ट्रोइका का मतलब क्या होता है, तो G20 ट्रोइका का मतलब यह है कि हर साल जब एक सदस्य देश अध्यक्ष पद ग्रहण करता है तो वह देश पिछले साल के अध्यक्ष देश और अगले साल के अध्यक्ष देश के साथ समन्वय स्थापित करता है। इस प्रक्रिया को ही ट्रोइका कहा जाता है। G20 समूह के एजेंडे के साथ सामंजस्य व निरंतरता कायम रखने का कार्य करता है। भारत 1 दिसंबर 2021 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक G20 ट्रोइका का हिस्सा रहेगा। विदेश मंत्रालय बयान के अनुसार भारत 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा।